हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सविता कश्यप। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे अब तक के सारे ब्लॉग और शॉर्ट वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर उस वीडियो में और उन ब्लॉगों में कुछ भी मिस्टेक है तो उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मेरे ब्लॉग अच्छे बने। और सो गाइज, मुझसे कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि मतलब मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कि मैम प्लीज़ अपनी स्टोरी बताओ, आप ऐसे आपकी शादी हुई समथिंग, जो भी क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी, हम लोग की अरेंज मैरिज थी। और मैं ये बताऊं कि देखा जाए तो अरेंज और लव दोनों थी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड मुझे देखने आए थे और मेरा ये फर्स्ट रिश्ता ही था जो मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए देखा था, और मुझे भी मतलब ये बहुत अच्छे लगे थे। पर लेकिन मतलब मुझे थोड़ा डाउट क्यों हुआ, क्योंकि आपने देखा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और मैं एक हैंडीकैप हूँ। तो एक कईज होता है कि कहते हैं इंसान को जब थोड़ा सा खुद से ज़्यादा मिल जाता है ना, जितना वो खुद नहीं होता उससे ज़्यादा उसे मिल जाता है, तो इसे यकीन नहीं होता कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कोई कुछ ऐसा वैसा गलत तो नहीं है। तो बस यही मेरे मन में ये सब कुछ चल रहा था। तो मैंने सोचा यार शादी का सवाल है, मतलब इन्होंने तो मुझे देखकर 5 मिनट के अंदर ही आंसर दे दिया था कि हाँ मुझे लड़की पसंद है और मुझे शादी करनी है। पर मैंने तो आंसर देने के लिए पूरे 3 दिन लगाए थे, मतलब 3 दिन तक मैंने सोचा था कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं। और सही बताऊँ उस टाइम मुझे कोई सजेस्ट करने वाला भी नहीं था कि मुझे क्या बोलना चाहिए। मन में कहीं ना कहीं यही सवाल थे, यार मैं तो ऐसी हूँ और वाकई में मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरा ये मानना है इंसान का जो स्वभाव होता है ना, उस चीज़ से इंसान पहचाना जाता है, उसकी सुंदरता से इंसान को नहीं पहचाना जाता कभी भी, उसका नेचर कैसा है वो। और मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्सेप्ट किया। और मैं सही बताऊँ कि उन्होंने शायद, कहते ना इंसान जो पुण्य कमाता है, उन्होंने इस जन्म में मुझसे शादी करके बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, मुझे सहारा दिया, मुझे समझा। और ये भी नहीं यार, मतलब कि जहाँ पे उन्होंने मुझे रखा ना, एक बच्चे की तरह ट्रीट किया उन्होंने मुझे। जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, मुझे यही मन में यही सोचती थी यार मैं, कि मतलब क्या करूँ क्या नहीं, कैसे क्या होगा। और करीबन 1-1.5 साल तक मेरे मन में यही सवाल निकलता था कि मैं कहा यार सूरज जी आप खुश तो होना मेरे साथ, सूरज जी आप खुश तो होना मेरे साथ, आप मेरे साथ चलते हो तो आपको बुरा तो नहीं लगता ना। आप यकीन नहीं मानोगे, सीरियसली मैंने कम से कम 1-1.5 साल तक उनसे यही सवाल किया। और वो सिंपल था, एक ही आंसर देते थे कि सविता मेरी तेरी शादी हुई है, कोई हमने भाग कर नहीं आए हैं, ना कोई हम धोखा दे रहे हैं किसी को, तो ऐसा मत पूछा कर। और जब मैंने तेरा लेटर टाइम में नहीं शर्माया था तो मैं अब क्या शर्माऊँगा। तो उनका मैं हमेशा और उनका आज भी यही आंसर होता है और वो यही बोल गए। ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम हैंडीकैप है तो हमें हैंडीकैप ही पर्सन मिले, हम ब्लाइंड है तो हमें ब्लाइंड ही पर्सन मिले, ज़रूरी तो नहीं है। तो गाइस वही प्रॉब्लम होती है, वही चीज़ें हम लोग क्या सोच लेते हैं ना, खासकर हम लोग, कि यार अगर मैं हैंडीकैप हूँ तो मुझे एक हैंडीकैप बंदा मिलेगा, मैं कैसे उसको संभालूंगी, कैसे वो मुझे संभालेगा। बट ऐसा नहीं होता, अगर खुद का स्वभाव अच्छा है, खुद का नेचर अच्छा है ना, तो गाइस सच बता रही हूँ मैं कि किस्मत में वही मिलता है जो भगवान ने पहले से ही आपके लिए लिख दिया होता है। तो गाइस मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को, मेरी अरेंज मैरिज ही थी और रिश्ता होने के करीबन 1 महीने बाद ही हम लोगों की फ़ोन पे बातें होनी शुरू हो गई थी। जब हमारी फ़ोन पे बातें होती थी ना, तो फ़ोन पे बातें होते होते समथिंग, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब वो अरेंज एक रिश्ता, वो लव मैरिज में कब बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। मतलब कब हम एक दूसरे के लिए इतने सीरियस हो गए कि बस फिर तो एक मन में ठान ली हमने कि बस सब शादी तो दूसरे से ही करनी है, हमें किसी से नहीं करनी है। सो ये चीज़ थी। और मैं सही बताऊँ, मैं शादी से पहले इनसे मिली नहीं थी, सिर्फ इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था, एक वही मुलाकात थी हमारी। और एक बार जब मुझे रिश्ता पक्का करने के लिए ये लोग घर पे आए थे तब मैंने इनको देखा था बस। उसके बाद सिर्फ हमारी फ़ोन पर ही बातें होती थी और 4 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी हो गई थी इनसे। सो मेरी जो शादी हुई थी वो मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी, और कोर्ट में भी हुई थी और जैसे वो मंदिर में करवाते वैसे भी हुई थी, क्योंकि इनका ही कहना था कि मतलब मुझे रिश्ता ऐसा बनाना है जिससे कि मेरी फैमिली वाले हमें अलग ना कर पाएँ बाद में। तो इनका ये कहना था मेरी फैमिली वालों से कि हम लोग, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी शादी कोर्ट मैरिज हो। तो इसी वजह से मतलब हम लोगों की शादी कोर्ट मैरिज ही हुई थी। और सही बताऊँ गाइज कि मुझे कभी कभी खुद भी यकीन नहीं होता कि मतलब मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। बेशक वो थोड़े गुस्से वाले हैं, थोड़ा वो लड़ जाते हैं, देखो वो तो हर जगह पे होता है, उनको ये वीडियोस बनाना मतलब कि वीडियो में बोलना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनको, वो बहुत दूर रहते हैं। पर वो मुझे कभी नहीं रोकते कि तू मत बोल, तू ये सब चीज़ें मत कर, कह रहे कर यार। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ से नहीं रोका, उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रस्ट है मेरे ऊपर कि ये पूरे दिन घर पर अकेली रहती है, किससे बातें कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उनको ये पता है कि हाँ ये ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मुझे तकलीफ़ हो। सो ऐसा रिश्ता है मेरा। तो गाइज़ प्लीज़ मैं दुआ करती बढ़ाइए
कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं अपनी कहानी आप तक पहुँचाने के लिए, जो हम जैसी एक हैंडीकैप लड़कियाँ होती हैं, हम जैसी हैंडीकैप वुमेन होती हैं, और हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता गाइस, आप भी समझ सकते हो, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे मेरी कि ऐसा नहीं होता। अपने कर्म अच्छे रखो, फल तो भगवान यही दे देगा आपको। अगला जन्म की वेट मत करो कि तुम्हें मरने के बाद फल मिलेगा, नहीं, उसका फल तुम्हें यही मिलेगा। आज मैं सुबह से शाम तक जो भी काम करती हूँ ना, अच्छा बुरा कुछ भी, किसी से गलत बोल रही हूँ, किसी से अच्छा बोल रही हूँ, किसी से बुरा बोल रही हूँ, उसका फल मुझे इन्हीं 24 घंटों में मिल जाता है, और वो कहीं भी मिले, कहीं भी मिलेगा इस। तो इसलिए बस अपनी सोच और अपना नेचर अच्छा रखो, दुनिया को हटाओ साइड, भगवान पर भरोसा रखो, तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा अच्छा ही होगा, कभी गलत नहीं हो सकता हमारे साथ। और मेरा यही मानना है, मैंने आज तक हर एक रिश्ते को पूरे दिल से निभाया है, माँ के साथ, बाप के साथ, भाभी के साथ, और भाभी के साथ तो आप रिश्ता देख ही चुके हो मेरा कितना अच्छा क्लोज है मेरा उनके साथ, ऐसा नहीं है। लोग कह देते हैं कि यार अपना है पराया है, और वो तो पराई है, भाभी हमारी अच्छी नहीं है, भाभी नंद लड़ाई होती है, आपने अक्सर सुना होगा, बट मेरी भाभी के साथ मेरी कभी भी लड़ाई नहीं होती, छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, पहले होती थी, अब तो शायद मेरे को पता भी नहीं है कि लास्ट टाइम लड़ाई कब हुई थी उनके साथ। सो गाइस, बस मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को कि मेरी स्टोरी यही सच बोल रहे थे उस दिन कमेंट में, मेरे हस्बैंड सीरियसली दिखावे के लिए नहीं करते, मेरे हस्बैंड सीरियसली मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो दुनिया तो मुझे कमेंट कर देती है, दुनिया तो लोग मुझे सामने से वो बोल देते तो मोटी हो रही है और बहुत ज़्यादा मोटापा है, वेट कम कर, पर मेरे हस्बैंड ने आज तक मेरे वेट के लिए कभी कुछ नहीं बोला, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि देख सविता, मुझे यही समझाते हैं वो कि देख सविता तू जैसी है ना वैसी रहेगी, तेरा खाना छोड़ने से तेरा वेट कम नहीं हो जाएगा, इसलिए चिल मार और बच्चे को देख और इन्जॉय कर, मैं हूँ तेरे साथ, और वाकई में दुनिया एक तरफ है उनके लिए और मैं एक तरफ हूँ उनके लिए। अब बस वो वाला हाल हो रखा है कि बस उनके लिए मेरे मेरे बच्चे के अलावा कोई नहीं है, मेरे लिए उनके उन सनी के अलावा कोई नहीं है। हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी है, वैसे थोड़ा कम कमाते हैं, थोड़ा कम गुजारा करते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, बट कोई नहीं, लाइफ इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप जो मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे आप भी अपनी लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ को इन्जॉयमेंट करो। बस लाइफ कुछ भी नहीं है, जो आप जी रहे हो ना वो यही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आपको, और कुछ भी पूछना होता है कमेंट मुझे कर दिया करो, मैं पक्का आपको आंसर दूंगी, जैसा मुझे वक्त लगता है मैं वैसी ब्लॉग अपलोड करती हूँ अपना। तो कल मेरा नेट नहीं चल रहा था, जब मैंने कल मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी, और आज मैं पक्का ये वाला ब्लॉग मेरा अभी ये मेरा ब्लॉग आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा। सो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बता।